হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া যেমন 1 লাখের উপর পশু পাখি মারা গিয়েছিল, কার্বন ডাইঅক্সাইডে ভরপুর একটা লেক, পুরো যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে চাই তাহলে বাতাসের জন্য কারণে হ্যাঁ ফ্রোজেন। স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে, আমরা হাজির হয়ে গেলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখছি সেটি হচ্ছে মোস্ট ডেঞ্জারাস ন্যাচারাল ফিনোমিনাস অফ অন আর্থ, মানে হচ্ছে তো পৃথিবীর উপরে যে ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসেছিল সেই ধরনের ডেঞ্জারাস 10টি ঘটনা নিয়েই আজকের এই ভিডিওটি। তো চলুন সবাই মিলে আমরা ভিডিওটি দেখে আসি এবং পরে এটা নিয়ে কথা বলবো। सबसे खतरनाक प्राकृतिक घटनाएं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस नेचुरल फिनोमेना। ঠিক আছে, অন্য ইন্ডিয়ার ব্যাপারে নি বলবেন না না, ওয়ার্ল্ডের প্রাকৃতিক ঘটনা। নমস্কার দোস্তों, টপ 10 হিন্দি কি এক আর বেহদ রোচক আর আশ্চর্যজনক ভিডিও মে আপকা স্বাগত হ্যায়। হামারি পৃথিবী অনেক রহস্যো সে ভরি পড়ি হ্যায়। আজ বৈজ্ঞানিক রূপ সে ইতনি তরক্কি করনে কে বাদ ভি হাম কাই ঘটনাও কে হোনে কা কারণ জান নাহি পায়ে হ্যায়। दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन सभी रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 10, हवाई अर्बन लावा फ्लो। एक ज्वालामुखी की सबसे खतरनाक चीज हो सकती है उससे निकलने वाला लावा। एक एक्टिव वोल्केनो से निकलने वाला लावा अपने संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकता है। ये लावा इतना गर्म होता है कि लोहे को भी पिघला सकता है और किसी भी बिल्डिंग तक को निकल सकता है। लेकिन क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां काफी लंबे समय से लावा बहता चला जा रहा है? इसे हवाई अर्बन लावा फ्लो के नाम से जाना जाता है और यहाँ मौजूद ज्वालामुखी पिछले 31 सालों से फटता रहा है और लंबे समय से उस पूरे एरिया में लावा फैल रहा है। हवाई के आइलैंड पर पिछले कुछ सालों से लावा सभी चीजों को अपनी चपेट में ले रहा है और सब कुछ खत्म कर रहा है। लावा का इस प्रकार बढ़ते ही जाना किसी के भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये लगातार बढ़ ही रहा है। नंबर 9, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स। अब ये तो आप सब जानते हैं कि जंगल में लगी आग कितनी भयंकर हो सकती है। अगर ऐसी किसी आग को जल्द ही काबू ना किया जाए तो ये पूरे जंगल को ही नहीं बल्कि आस पास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लेती है। इसी प्रकार चिंता का विषय बनी हुई है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, जो कि काफी लंबे समय से भयंकर रूप से बनी हुई है। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि इस आग को बुझाने के लिए 14,000 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स लगे हुए हैं और इसके बावजूद भी ये आग 10 लाख एकड़ के क्षेत्र में फैल चुकी है, जिसमें 6 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है और इसके साथ ये बढ़ती ही जा रही है। ये आग प्राकृतिक कारणों से लगी थी, जो कि आज कैलिफोर्निया के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जंगली आग बन गई है। नंबर 8, बैरन आइलैंड। जब भी किसी ज्वालामुखी की बात आती है तो हमारा ध्यान दुनिया के दूसरे देशों पर चला जाता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत में कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है या नहीं? आपने अभी तक शायद फिल्मों में एक असली ज्वालामुखी को फटते हुए देखा होगा, लेकिन आप ऐसा असल में भी देख सकते हैं क्योंकि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो अभी तक मौजूद है, जो कि अंडमान समुद्र के बैरन नामक आइलैंड पर मौजूद है। आपको बता दें, ये वोल्केनो अपने एक्टिव मोड में है। आप सब शायद यही सोचते होंगे कि हमारे देश में तो कोई ऐसा ज्वालामुखी होगा ही नहीं, लेकिन शायद आपको इस भयंकर ज्वालामुखी के बारे में तो जानता हूं, जो कि काफी समय से अपने अंदर से आग उगल रहा है। और ये अकेला ज्वालामुखी नहीं है जो भारत में मौजूद है, बल्कि ऐसे कई ज्वालामुखी समुद्र के अंदर मौजूद है लेकिन वो भी सक्रिय नहीं है। नंबर 7, लेक न्योस लिम्निक इरप्शन। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और साथ ही साथ खतरनाक झीलों में से एक है लेक न्योस। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक लेक्स में से एक माना गया है। लेक न्योस में होने वाले धमाके कितने खतरनाक होते हैं वो आप इसके इतिहास से जानकर लगा सकते हैं। लेक न्योस में कुछ सालों पहले एक धमाका हुआ था जिसमें 1700 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। ये लेक दिखने में भले ही आकर्षक हो, लेकिन ये वॉल्केनिक लेक है जिसके कारण ये काफी खतरनाक है। दरअसल इसके खतरनाक होने का कारण ये है कि इस लेक में हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ये विस्फोट क्यों होता है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन थ्योरीज का कहना है कि इसके नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण पानी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं और ऊपर आकर फूटते हैं। कुछ समय पहले जब ऐसा ही एक एक्सप्लोजन हुआ तो उसने 1700 लोगों की जान ले ली, जो आज भी लोगों को डरा देता है। नंबर 6, डानाकिल डिप्रेशन। क्या आप भी दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक डानाकिल डिप्रेशन में रहना चाहेंगे?
आपको बता दें ये पृथ्वी की सबसे विचित्र और दुर्गम जगहों में काफी ऊपर है। डानाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ गिरने वाला पानी भी तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। ये जगह किसी के लिए भी रहने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ की जमीन भी काफी हद तक नमक की बनी हुई है। यहाँ रहना शायद ही किसी के बस की बात होगी। आपको बता दें यहाँ स्थायी रूप से केवल दुनिया के सबसे सहनशील माइक्रोब्स में से एक एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स ही रह पाते हैं, और इसके अलावा यहाँ कोई भी जीवित रूप से नहीं रह सकता। ये जगह सी लेवल से भी 100 मीटर गहरी है। यहाँ के इस असहनीय वातावरण होने का कारण पूरी तरह कोई नहीं जानता। नंबर 5, जमे हुए मीथेन बबल्स। अब हम आपको एक ऐसे नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर शायद आपकी सोचने समझने की शक्ति पे सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक तथ्य ये जान लीजिए कि वैज्ञानिकों के अनुसार पानी एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हम जो पानी पीते हैं वो अलग अलग क्रियाओं से जाकर फिर वापस पानी के रूप में आ जाता है। इसका मतलब पृथ्वी के शुरुआत में जो पानी उस समय के जीवों ने पिया वो आज भी वातावरण में मौजूद है। इसके साथ ही आपको बर्फ की झीलों में जमे मीथेन बबल्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। आपको बता दें ये बबल्स उस समय से हैं जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स होते थे। उस समय बने ये बबल्स आज भी फ्रोजन लेक्स के अंदर देखे जा सकते हैं, जो सच में कमाल के फिनोमेनन हैं। 4, कावाह इजेन वोल्केनो। कावाह इजेन वोल्केनो दुनिया की सबसे अजीब प्राकृतिक चीजों में से एक है। ये ज्वालामुखी बाकी सभी ज्वालामुखियों से पूरी तरह अलग है क्योंकि इसके इरप्ट होने का तरीका और वहां से निकलने वाली फ्लेम्स का रंग दोनों ही अलग है। आपको बता दें इस ज्वालामुखी से नीली फ्लेम्स निकलती रहती हैं, जो रात में देखने में सच में कमाल लगती हैं। अब अगर इसके कारण की ओर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ बहुत ही ज्वलनशील सल्फर गैसें निकलती हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आते ही चलने लगती हैं, और वो भी नीली लपटों के साथ। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर गैस का कारण क्या है ये सही रूप से कोई नहीं जानता। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी में होने वाली ये प्राकृतिक घटना सच में ही सभी के होश उड़ा देती है। नंबर 3, आइस फिंगर ऑफ डेथ। आपने भी कई सारी फिक्शन कहानियों में सुना होगा कि कई लोगों के पास एक ऐसी मैजिक स्टिक होती है जिससे छूने वाली हर चीज फ्रीज हो जाती है और मर जाती है। दरअसल ये शक्ति किसी इंसान के पास तो नहीं लेकिन प्रकृति के पास जरूर है। एक ऐसी आइस फिंगर बनती है जिसके छूते ही कोई भी चीज बर्फ बन जाती है। इन्हें ब्रिनिकल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की कुछ बेहद गहरे स्थानों पर बनती है। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर साफ पानी बर्फ में बदल जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये फिंगर्स वहाँ के पानी पर तापमान का प्रभाव छोड़ती हैं, जिससे ये आइस फिंगर्स बढ़ती हुई नीचे की ओर जाती हैं, और जिस समय ये सतह से संपर्क में आती हैं तो वो भी बर्फ की बनने लगती हैं, और आसपास मौजूद जीव भी उसकी चपेट में आ जाती है। अब इसका इंसानों पर क्या प्रभाव होता है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि जब ये घटना होती है तब इंसान वहाँ मौजूद नहीं होते। नंबर 2, उल्टा बहने वाला झरना। झरने प्रकृति का एक काफी सुंदर हिस्सा है जिन्हें देखना सभी को काफी अच्छा लगता है। आपने कई बार झरनों के बारे में सुना या उन्हें देखा होगा, लेकिन अब हम आपको जिस झरने के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपकी कल्पना से परे होगा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सिन्हागढ़ में मौजूद उल्टे बहने वाले झरने की, जिसे कि रिवर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। आपके होश उड़ जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि ये झरना नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बहता है। अब आपको देखने में ये भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसके बहने का कारण इतना सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें ये झरना अपनी उल्टी दिशा में तेज बहने वाली समुद्री हवाओं के कारण बहता है। यहाँ हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से बहती हैं, इसके कारण कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। नंबर 1, माउंट हुआस्कारान एवलांच। अब चलिए बढ़ते हैं सूची के सबसे खतरनाक नेचुरल फिनोमिनन की ओर, जो है माउंट हुआस्कारान एवलांच। इसे दुनिया की सबसे भयंकर एवलांचेस में से एक माना जाता है। आपको बता दें एवलांच एक प्रकार की स्नो स्लाइड होती है जो कि प्राकृतिक कारणों से घटित होती है। ये स्नो स्लाइड्स काफी भयंकर भी होती हैं, जिससे काफी नुकसान भी हो सकता है। ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुई माउंट हुआस्कारान एवलांच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इस प्रकार की एवलांच के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही कमाल की वीडियो में, तब तक देखते रहिए टॉप 10 हिंदी। धन्यवाद। আমাদের পৃথিবী হচ্ছে অনেক 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 প্রকার কি বলবো যে অজানা জিনিসে ভরপুর। এখানে যেমন 10টা প্রাকৃতিক প্লেসের কথা জানলাম, হ্যাঁ ডেঞ্জারাস প্লেস,
এগুলো আসলে আমাদের জানা ছিল না। যেমন হচ্ছে প্রথমে যেটা দেখালো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ওখানে জলামুখ, তার মানে হচ্ছে আগ্নেয়গিরি, সেটা এখনো জ্বলন্ত এবং সেটা চলছে। আগ্নেয়গিরি তার মতো করে মানে অনেক শহর নষ্ট করে ফেলছে এবং অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। তারপর হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার যে দাবানলটা ছিল, দাবানলটা এবং গত বছর কিন্তু যে অস্ট্রেলিয়ার যে দাবানলটা ছিল, অস্ট্রেলিয়ার দাবানলটা অনেক বড় ছিল, এটা কিন্তু মানুষের তৈরি না, সো মানে প্রাকৃতিক, তো এগুলা আসলে অনেক ভয়ঙ্কর পশু পাখির জন্য বলো আর মানুষের জন্য বলো, কারণ অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু অনেক পশু পাখি মারা গিয়েছে, ঘাটতি, হ্যাঁ ঘাটতি পড়ে যায় এবং মানুষের কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয়ে বেড়াবে, শ্বাসনালী পুড়ে অনেক মানুষ মারা যায়, তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক ভয়ঙ্কর। অস্ট্রেলিয়ার যে বনে যে দাবানলটা লেগেছিল সেই দাবানলটা কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস ছিল এবং তাতে কিন্তু 1 লাখের উপর পশু পাখি মারা গিয়েছিল, যদিও মানুষ মারা যায়নি যতদূর জানি আর কি। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি এগুলো লোকালয়ে চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের শ্বাসকষ্ট হয়ে এমনি শ্বাসনালী পুড়ে মারা যায়, এবং পশু পাখি তো আছেই, এবং কিছু ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে পশু পাখি কিন্তু মানে পানির তেষ্টার কারণে লোকালয়ে চলে এসছে এবং মানুষ কিন্তু তাদেরকে হেল্পও করেছিল সময় যে পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে হোক, এবং অনেক বিভিন্নভাবেই তাদেরকে হেল্প করেছিল। এবং দামানল থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু কিছু পশু পাখি তারা জঙ্গল থেকে যখন বাহিরে আসতে যাচ্ছিল তখন ওখানে তারের বেড়া দেওয়া ছিল, সেজন্য তারা আসতে পারে আসতে পারে না। সিনারিগুলো আসলে ছবিগুলো খুব কষ্টদায়ক ছিল। এছাড়া যে এখানে একটা লেক দেখালো, লেকটা কিন্তু দেখতে খুবই চমৎকার ছিল, কিন্তু লেকটা অনেক বিপজ্জনক, কারণ এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডে ভরপুর একটা লেক। হয়তো লোকাল লোকজন এগুলো জানে, যারা অনেক সময় না জেনেও অনেক লোক তো গেছে ওখানে, তো দেখা যায় যে বিপদের সম্মুখীন হতে সময় লাগে না এগুলোর ক্ষেত্রে, মনে করলো যে আচ্ছা সুন্দর পানি আমি এখানে একটু সাঁতার কাটি, তো সাঁতার কাটতে গিয়ে এসে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া যে সমুদ্র স্তর থেকে নিচের দিকে যে লেনটা দেখালো যেটা হচ্ছে লবণাক্ত লেন, ওখানে আসলে মানুষ থাকতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ এটাও একটা মানে পৃথিবীর জন্য আশ্চর্যজনক একটা প্লেস। আরো কিছু ইসে দেখালো যে আগ্নেয়গিরির আরো কিছু প্লেস দেখালো, যেটা ইন্ডিয়াতে দেখালো যে ওখানেও একটা আগ্নেয়গিরি আছে, কিন্তু আমাদের জানা ছিল না, হ্যাঁ যে ওখানেও আগ্নেয়গিরি আছে, কারণ এত পাশে আমরা অনেক অনেক কিছুই আমরা জানি না আসলে। আসলে ইন্ডিয়ার লোকজন এটা সম্বন্ধে একটু কম জানবে, উনি যেটা বললো, কেননা ওই আগ্নেয়গিরিটা হচ্ছে মূল ভূমিতে না, সেটা হচ্ছে সাগরে, সাগরের কাছাকাছি। আর আরেকটা মজার ব্যাপার যে আগ্নেয়গিরিটা দেখালো যে এখান থেকে নীল লাভা বের হয়, কিন্তু এটা কিন্তু দেখতে খুব চমৎকার লাগছিল, কিন্তু আসলে বাস্তবিকতা তো খুবই ভয়ঙ্কর, কিন্তু দেখে আকর্ষণীয় লাগছে। হ্যাঁ মানুষ কিন্তু কাজ করছিল, কিন্তু তারপরে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে চায় যে কোনো মানুষের জন্যই হোক। তাছাড়া যে ঝর্ণাটা ছিল যে আর পানিটা উল্টো দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ এটা সুন্দর ছিল, এবং আমি তখনই আসলে ধারণা করেছিলাম যে এটা আসলে বাতাসের জন্য, কিন্তু ওখানে বাতাসে যে গতিবেগ তাতে আসলে একটা মানুষ যখন ওখানে থাকবে কিংবা দেখতে যাবে সেটা আসলে বিপজ্জনক। হ্যাঁ যদি হালকা পাতলা হয় তাহলে উড়ে যাবে, কেননা 70 কিলোমিটার বেগে বাতাস বইছে ওখানে, তো সেই জন্যই আসলে ঝর্ণাটাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে যে সাগর থেকে। আর হচ্ছে ক্রমের ব্যতিক্রম কোনো কিছু গেলে কিন্তু আকর্ষণীয় লাগে সবার কাছে, তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল যে না এটা উল্টা দিকে যাচ্ছে পানিটা। আর ফাইনালি যেটা সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস দেখালো সেটা আসলে লোকাল মানুষজন আশেপাশে থাকে না এরকম একটা প্লেসে, সেটা হচ্ছে যে একটা পাহাড়, বরফের পাহাড়, ভূমিকম্প, সেটা হচ্ছে তার নিচেও একটা আগ্নেয়গিরির অবস্থান আছে হয়তোবা, যেখানে হচ্ছে যখনই সেটা অ্যাক্টিভ হয় কিংবা কোনো কারণে সেটা মুভমেন্ট করে তখন সেখান থেকে বরফ ঝরতে থাকে। আসলে এই ধরনের ভূমিকম্প কিন্তু বরফের নিচে সবকিছু ঢাকা পড়ে যায়, যেমন দাবানলে কিন্তু দেখা যায় যে গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে যাচ্ছে বা পুরো জঙ্গলটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটাও সেরকম, যেটা হয়তো বরফটা কিন্তু এসে পুরো এলাকা ছড়িয়ে যাচ্ছে বা মানুষের যে যাতায়াত আছে তা হচ্ছে সবাইকে ঢেকে দিচ্ছে, তো এটাও অনেক রিস্কি, কারণ বরফের নিচে পড়লে তো যে কেউ চাপা পড়লে তো সে আটকে যাবে ওটার মধ্যে। আরেকটা জিনিস কিন্তু এখানে দেখিয়েছে যে এরকমই আরেকটা কিন্তু বরফের লেক আছে যেখানে সবকিছু আটকে যায়, যে ফিঙ্গারের মতো, মানে হচ্ছে ওই বরফের কাঠিটা যখন টাচ করে তখন সেখানকার পানি কিংবা আশেপাশে যা থাকে সবই আসলে বরফ হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে জাদুর মতো আর কি, জাদুর মতো। এবং ওখানে যে মুভিটা একটা দেখে, মুভি মনে হয় না বাচ্চাদের যে মুভিটা ছিল ওটা, যে
ফ্রোজেন মুভিটা তো দেখেছি, ফ্রোজেন মুভির মতোই আর কি সেটা ব্যাপারটাই দেখাচ্ছে। এবং ফ্রোজেনটাতে যেমন দেখাচ্ছে, দেখায় যে সে বড় বোনটা যা কিছু হাত দিয়ে ধরতো তখন সেটা কিন্তু বরফ হয়ে যায়, তার এখানে হচ্ছে যে লাঠিটা যেখানেই যাচ্ছে সে তার আশপাশে যা কিছু আসছে সেটা বরফ হয়ে যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু খুবই মানে চমৎকার একটা জিনিস, কিন্তু ইনফরমেশনগুলো জেনে আসলে খুব ভালো লাগলো যে এই ধরনের ডেঞ্জারাস প্লেজার ইনফরমেশনগুলো আমাদের জানা ছিল না। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, এবং ভিডিওর সাথে সাথে যে জায়গাগুলো আপনারা দেখলেন এগুলো খুবই এক্সাইটেড লেগেছে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে একটা লাইক দেবেন, এবং কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও আমাদের সঙ্গে বসে দেখতে চান। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।